हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। और इस वीडियो में आप लोगों को तीन ऐसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स बताने वाला हूँ जो कि कोई भी कर सकता है बिल्कुल फ्री में। आपको इंस्टेंट सर्टिफिकेट्स मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को लेके भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको लेने का फायदा क्या होता है और आपको अपने रिज्यूमे में कैसे इन्हें लगाना होता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स के जो कोर्सेज होते हैं वो भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम वैसे कोर्सेज इंक्लूड करने की सोच रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ कोर्सेज जो कि आप सिटीजंस के लिए होते हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इन कोर्सेज की जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला सर्टिफिकेट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली का है, वो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स होगा। ये COVID-19 प्लेज सर्टिफिकेट्स है जो कि कोई भी ले सकता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो आप सभी ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। जस्ट आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होता है। सारी जितनी भी वेबसाइट के सर्टिफिकेट मैं बताने वाला हूँ सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो ये बेसिक डिटेल्स आपसे फिल करवाई जाती हैं। यहां पर आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता, डायरेक्ट आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो 2 मिनट में आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हो। यहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, आपका एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है, डेजिग्नेशन, आपकी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, आप वर्किंग हो तो वर्किंग, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये 3-4 चीजें आप लोग जैसे ही डाल देते हो उसके बाद यहां पर जस्ट आप लोग को जनरेट सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, कहीं से कुछ भी पढ़ना नहीं होता। जस्ट आप लोग का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा इस टाइप से, जो कि मेरा जनरेट हो चुका है 19 जुलाई को, यानी कि आज जनरेट हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस की तरफ से। यहाँ पे आप लोगों को मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा, पीयूष शर्मा, सर्टिफिकेट ऑफ डेडिकेशन। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के लोगो मिल जाते हैं आप लोगों को। तो ये इस टाइप से एक सर्टिफिकेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी 2 सर्टिफिकेट्स और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो 2 सर्टिफिकेट्स हैं वो ये भी बताऊंगा कहाँ इंक्लूड करने हैं आप लोगों को। तो उसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट वेबसाइट आ रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से ये वेबसाइट आ रही है। ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो कि आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है बिल्कुल फ्री में। तो यहां पे सर्टिफिकेट लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप इंडिविजुअली सर्टिफिकेट्स ले, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप लोग उसके लिए भी सर्टिफिकेट ले सकते हो बिजनेस के नाम से। तो आपको अगर इंडिविजुअली लेना है तो एज अ सिटीजन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों से फिल करवाई जाती हैं, लाइक आपका नाम, आपका जेंडर, आपका पहचान प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, आप लोग पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, स्टेट आपकी, डिस्ट्रिक्ट आपकी, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आप लोगों से फिल करवाई जाती हैं। ये जैसे ही आप लोग फिल करते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जो मोबाइल नंबर आप लोग डालते हो वो सही डालना, क्योंकि उस पर OTP आता है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है कि आपकी जो सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये ऑप्शन भी आप लोग के सामने आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग के सामने एक प्लेज आती है, ये आप लोग को पढ़नी होती है बेसिकली। ये अगर आप प्लेज पढ़ते हो तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग नीचे स्क्रोल करते हो, मैंने प्रतिज्ञा ले ली इसके बारे में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हो, आपके मोबाइल पे OTP आता है, वो आप लोग को डालना है। जैसे मेरे मोबाइल पे जो OTP आया था वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है, जो भी OTP आता है। मैं दोबारा से आया है, आई थिंक मेरे मोबाइल पे 492225 ये OTP आया अभी मेरे मोबाइल पे, तो मैं दोबारा से इसको इनवैलिड दिखा रहा है, तो मैं ये दोबारा से OTP डाल देता हूँ अभी 492245। तो ये OTP आपके मोबाइल पे आया होगा, इसको आप लोग को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे आप लोग को अपना सर्टिफिकेट दिखाई देता है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से आप लोग को दिखाई देता है। इसी नाम से आपका भी ऐसे ही सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होता है। तो आप लोग इस टाइप से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो यहाँ से दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट आती है हमारा, तो तीसरा पोर्टल है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरे पोर्टल पर आपको सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेगा, ये जो सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, शेयर वगैरह भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट पोर्टल आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज का, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से आप लोग के लिए। तो इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे टेक प्लेज पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आप लोगों से कुछ बेसिक डिटेल्स जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फिल की थी वही सेम डिटेल्स यहाँ पे भी आप लोगों से फिल करवाई जाती हैं, आपका नेम, जेंडर, पहचान प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, आप लोग की जन्मतिथि, सेम वैसे आप लोगों को यहाँ पे भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है किस लैंग्वेज में आप लोगों को ये सर्टिफिकेट्स चाहिए दोस्तों। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी आपके सामने एक OTP आएगा आपके फ़ोन में, यहाँ पे प्लेज ली जाएगी आप लोगों से, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने OTP आता है, ये OTP आप लोगों को दोबारा से डालना होगा इस वेबसाइट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इट्स ऑब्वियस कि भाई कन्फर्म तो करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा OTP देख के डाल देता हूँ अभी, क्या OTP आया हुआ है, 8555528।
तो ये वाला OTP आया हुआ था मेरा। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और इसका सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस टाइप का सर्टिफिकेट आप लोगों को इस वेबसाइट से मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे भी आप लोगों को इस टाइप से सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ से सर्टिफिकेट लेना तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो इस टाइप से मैंने तीन ऐसी सर्टिफिकेट आप लोगों को बता दी जो कि फ्री मिलेंगे। अब बात आती है कि इन सर्टिफिकेट्स को आप लोग अपने रिज्यूमे में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। तो इनके लिए भाई अपने रिज्यूमे में एक अलग से कॉलम बना सकते हो आप, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी सर्टिफिकेट मैंने बताए हैं ये अवेयरनेस रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये आप अपनी स्किल्स में इंक्लूड नहीं कर सकते कि आपने कुछ सीखा है, अपना स्किल्स नहीं बना सकते इनको, लेकिन आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हो। मान लो आप जावा डेवलपर हो, एंड्रॉइड डेवलपर हो, कुछ भी हो, तो भी आप लोग ये सर्टिफिकेट्स इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो हमने एक्स्ट्रा की होती है, अपनी स्किल से अलग की होती हैं। तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लोग ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स अपने रिज्यूमे में अटैच करते हैं। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा टेलीग्राम, तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।